जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। अब हार मान भी लो मोगली, तुम डार्जी को नहीं पकड़ पाओगे। हार मान लो? कभी नहीं, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, तुम बस देखती जाओ डार्जी। सपने देखना छोड़ दो। ओ मोगली, तुम्हें दिमाग से काम लेना होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तबाकी? और तुम हंस क्यों रहे थे? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था और मजे ले रहा था ये देख के कि तुम इस छोटी सी चिड़िया को नहीं पकड़ पा रहे थे। हाँ, पर ये कितनी फुर्तीली है। तुम सुस्त हो, अब मुकरो मत। मुझे तो लगता है इस जंगल में तुम सबसे सुस्त जीव हो। मैं सबसे सुस्त? हाँ तुम। एक छोटी सी चिड़िया भी तुमसे बहुत तेज है, देखो तो कैसे भाग कर निकल गई। इसकी बात मत सुनो, ये सिर्फ तुम्हें भड़का रहा है। सच्चाई तो हमेशा कड़वी होती है, पर अगर हम दोनों का मुकाबला होगा तो मैं ये दावे से कहता हूँ मैं आसानी से जीत जाऊंगा। हाँ तो ठीक है, हो जाए मुकाबला। ये बात तुम दिल से कह रहे हो? दौड़ने के साथ साथ कूदने का भी मुकाबला। मोगली सावधानी से, ये इसकी चाल हो सकती है। ठीक है, बोलो जीतने पर तुम्हें क्या चाहिए? एक बड़ी रसीली हड्डी दे देना बस। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन बेहतर है। बलू, तुम रेस शुरू करवाओ ना। जी नहीं, मैं इस मामले में कुछ नहीं करूँगा। डार्जी, तुम चाहो तो कर सकती हो। क्यों नहीं। जो भी पहले नदी के पास पहुँचेगा वो जीतेगा। तैयार? तैयार। रेडी सेट गो। बड़ी जल्दी में हो, क्या लगता है टबाकी के साथ कोई भी रेस इतनी आसानी से जीत जाओगे? हाँ, एक बात कहूँ मोगली, मैं तो बस जॉगिंग कर रहा था, असली रेस अब दौड़ूंगा। और विजेता है टबाकी। अगर तुम्हें अभी हार माननी है तो मान लो, और मैं ये मुकाबला अभी खत्म कर दूंगा। अरे नहीं, कभी नहीं, तुम मुझसे बेहतर नहीं हो। भी एक और मुकाबला बाकी है, वो तो पूरा कर लो। एक और? अरे हाँ, कूदने का मुकाबला। वो टूटा पेड़ दिख रहा है, उसके ऊपर से कूदना है, वो भी बिना छुए। तुम चाहो तो मैं पहले कूदता हूँ ताकि तुम्हें तैयारी का टाइम मिल जाए। मोगली रेडी जाओ। अच्छी कूद लगाई पर तुमने पेड़ को छू लिया। तुम्हारी बारी। वैसे ये बहुत ही आसान है, पर देखते हैं तुम कर पाओगे या नहीं। और अगर मैंने ये बिना छुए पार कर लिया तो फिर विजेता का फैसला कैसे होगा टबाकी? इसका फैसला तीसरे मुकाबले में होगा। हाँ ठीक है। तैयार मोगली, चलो जाओ। तुमने मुझे इस गड्ढे के बारे में बताया क्यों नहीं? फिर तो तुम इसके पार कूदते ही नहीं ना मोगली। क्या मतलब, ये तुम्हारी चाल का हिस्सा था? जी हाँ इंसानी बच्चे। तो अब तुम्हारा दिमाग चलने लगा? आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें खाना बनाकर शेर खान को देना, ताकि बदले में मुझे एक बड़ा इनाम मिल सके। और क्या, मैंने उसे कहा है आराम करने के बाद शाम को यहीं पर आना, तब तक तुम यहाँ नीचे आराम करो मोगली। कितना बेवकूफ हूँ मैं, बलू ने सही कहा था, इस टपाकी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मोगली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी मदद करो डार्जी, टबाकी ने मुझे इस गड्ढे में फंसा दिया है। तुम्हें ये बात बलू को बतानी होगी ताकि वो मुझे बचाने आ सके। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं उसे लेकर आती हूँ। ओ मोगली को अब तक आ जाना चाहिए था,
कहीं वो ज्यादा दूर तो नहीं गया? जल्दी चलो, जल्दी चलो बलू, तुम्हारी मदद चाहिए। कोई गड़बड़ वाली बात तो नहीं? ओ हाँ, वो तो है, उस तबाकी ने चीटिंग की और उनका मुकाबला पूरा हो गया। और फिर? अरे हाँ, उन्होंने तीसरा मुकाबला भी नहीं किया। और मैं बाकी की बात भूल गई। ये डार्जी भी ना। मेरे लिए रुको बलू, मुझे जल्दी ही वो बात याद आ जाएगी। यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। अरे वाह, शायद ऐसा कंधे से काम बन जाए। मोगली, रुक जाओ। भूल गए क्या मैं तुमसे तेज दौड़ता हूँ इंसानी बच्चे? तैरने का मुकाबला हो जाए। जकाला! मोगली, कहाँ हो तुम? जवाब दो मोगली! बलू, ये टूटा हुआ पेड़, मोगली उस तरफ क्या है? याद आ गया मुझे। ठीक है तो चलो। डार्जी, ये गड्ढा भी भूल गई थी क्या? अरे हाँ, ये गड्ढा, मुझे लगा था मैं कुछ भूल गई हूँ। जल्द से जल्द मोगली को ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। ठीक है। क्यों जकाला, मुझे पकड़ सकते हो क्या? भागो वहां से तबाकी! तो टबाकी, तुम अभी भी मुझे सबसे सुस्त और जंगल का सबसे आलसी जीव मानते हो? नहीं तो। जोर से बोलो, कुछ सुनाई नहीं दिया? हाँ ना, नहीं। भले ही तुम तेज भाग सकते हो, पर तुम एक अच्छे तैराक नहीं हो। हाँ बाबा, नहीं हूँ। तो तीसरे मुकाबले का क्या किया जाए? किसी और दिन करें। ठीक है, जब तुम चाहो। और अब जंगल के बाकी जीवों से कहना कि इंसानी बच्चा कितना चुस्त और समझदार है। मोगली, जल्दी चलो, बलू की मदद करो, वो गड्ढे में गिर गया है। गड्ढे में? पर कहाँ? अरे हाँ, कौन सा गड्ढा था? कहीं वही गड्ढा तो नहीं है? अरे हाँ, जिसमें तुम गिरे थे। कोई है ऊपर? मुझे हलचल सुनाई दी। हेलो, मैं यहाँ नीचे हूँ। आराम करने की अच्छी जगह ढूंढ ली बलू, कहीं तुम यहाँ शहर ढूंढने तो नहीं है? ये कोई मजाक का वक्त नहीं है मोगली। ओ, अब मुझे निकालो यहाँ से, प्लीज। ये तुम क्या कर रहे हो मोगली? दिमाग का इस्तेमाल। डार्जी, मेरे साथ पकड़म पकड़ाई खेलोगी? वैसे जीतूंगी तो मैं ही, पर तुम कहते हो तो देखा,
मैं जीत गया। बहुत अच्छे मोगली, ये हुई ना दिमाग वाली बात। मोगली के दिमाग का जलवा। छोड़ो मुझे, जाने दो, ये तो सरासर चीटिंग है। उस धोखेबाज कीड़ को यही मिलना था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। यही आसपास है, इंसानी बच्चा उधर गया है और आज मैं उसे जिंदा चबा जाऊंगा। चबाके। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं और अपना काम करते हैं। छोटे एलिफेंट टकराते हैं, छोटे एलिफेंट टकराते हैं, छोटे एलिफेंट टकराते हैं और अपना काम करते हैं। मोगली को झूलना शुरू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है और एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेकर अपना काम करना है। बागी और बलू सोते रहेंगे, बागी और बलू सोते रहेंगे, बागी और बलू सोते रहेंगे और यही है उनका काम। रिकी और इकी के छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, रिकी और इकी के छोटे छोटे पैर अपना काम कर चुके। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं क्योंकि शुरू होने वाला है। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं और जंगल के मजे लेते हैं। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं और अपना काम करते हैं। छोटे एलिफेंट टकराते हैं, छोटे एलिफेंट टकराते हैं, छोटे एलिफेंट टकराते हैं और अपना काम करते हैं। मोगली को झूलना शुरू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है और एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेकर अपना काम करना है। बागी और बलू सोते रहेंगे, बागी और बलू सोते रहेंगे, बागी और बलू सोते रहेंगे और यही है उनका काम। रिकी और इकी के छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, रिकी और इकी के छोटे छोटे पैर अपना काम कर चुके। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं क्योंकि शुरू होने वाला है। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं और जंगल के मजे लेते हैं। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं और अपना काम करते हैं। छोटे एलिफेंट टकराते हैं, छोटे एलिफेंट टकराते हैं, छोटे एलिफेंट टकराते हैं और अपना काम करते हैं। मोगली को झूलना शुरू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है और एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेकर अपना काम करना है। बागी और बलू सोते रहेंगे, बागी और बलू सोते रहेंगे, बागी और बलू सोते रहेंगे और यही है उनका काम। रिकी और इकी के छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, रिकी और इकी के छोटे छोटे पैर अपना काम कर चुके। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं क्योंकि शुरू होने वाला है। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं और जंगल के मजे लेते हैं। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं और अपना काम करते हैं। छोटे एलिफेंट टकराते हैं, छोटे एलिफेंट टकराते हैं, छोटे एलिफेंट टकराते हैं और अपना काम करते हैं। मोगली को झूलना शुरू करना है, शुरू करना है, शुरू करना है और एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेकर अपना काम करना है। बागी और बलू सोते रहेंगे, बागी और बलू सोते रहेंगे, बागी और बलू सोते रहेंगे और यही है उनका काम। रिकी और इकी के छोटे छोटे पैर,
छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर, रिकी और इकी के छोटे छोटे पैर अपना काम कर चुके। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, क्योंकि शुरू होने वाला है। चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं, चलो एलिफेंट मार्च में हिस्सा लेते हैं और जंगल के मजे लेते हैं। Jump.